किसी आरोपी के नाम पर घर नहीं गिराया जाता है, अपराधी के नाम पर। हमको लगता है कि वह अपराधी जो अवैध संपत्ति कब्जा किया है, जो अवैध संपत्ति है उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा कि अवैध संपत्ति को अनमत हटाया जाए। अगर वह अवैध कब्जा कर रखा तो उसको हटाना है। किसी अपराधी के नाम पर बुलडोजर हमको लगता कहीं नहीं चलता। उसने जो संपत्ति अर्जित कर रखी है अवैध तरीके से, सरकारी जमीन सड़क कहीं कब्जा कर रखा, वो सब सरकारी जमीन ही तो कब्जा कर रखा, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसको हम वंचित रखते हैं कि मतलब सड़क नहीं कोई कब्जा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति नहीं। तो ये सब सरकारी संपत्ति कब्जा करने वाले लोगों पर बुलडोजर चल रहा था। समाजवादी पार्टी को इस पर बात देना चाहिए, हमारी सरकार को। उन्होंने कहा था डीएनए टेस्ट होना चाहिए, करा दिया, मैच खा गया। अब तो उसे कम से कम सजा देना चाहिए, पार्टी से बाहर करना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए भाई इस तरह का अपराध ना हो। हमारे कहने मतलब ऐसे लोगों को, अपराध करने वालों को कोई भी जगह नहीं है। और डीएनए टेस्ट एक प्रक्रिया है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपराधी 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 की कोई जाति नहीं होती है और न तो उसका धर्म होता है, न कोई पार्टी होती है। तो इसलिए जो भी अपराध में पकड़े जाएं उसका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे सजा दिलाओ, जो पीड़ित हो उसके न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए।